ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क के जीएल बजाज संस्थान के दो छात्रों का चयन अमेजन कंपनी में सालाना लगभग 30 लाख रुपए के हाई पैकेज पर हुआ है। अभी तक का ये सबसे हाई पैकेज माना जा रहा है जिसे किसी कंपनी ने ऑफर किया है। दोनों छात्र संदीप ढाका और अभिषेक जैन बीटेक कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर के छात्र हैं। अपने चयन से दोनों छात्र के साथ साथ जीएल बजाज संस्थान प्रबंधन भी उत्साहित है। 42 लाख रुपीस का भी पैकेज अवेलेबल है, तो हम उसमें भी तो इतने हायर पैकेज में ज्यादा बच्चे प्लेस नहीं हो पाते, पर दो चार बच्चे भी प्लेस हो जाते तो बागपत जिले के रहने वाले संदीप ढाका एक किसान परिवार से हैं। वह अपनी पढ़ाई के लिए किसी बड़े स्कूल में तो नहीं गए, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से आज अमेजन जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में इतने बड़े पैकेज पर प्रोग्राम डेवलपर के पद पर उनका चयन हो गया है। नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित जीएल बजाज कॉलेज में, जहां के दो होनहार छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है अमेजन कंपनी में और उन्हें सालाना 30,25,000 के पैकेज पे उनका प्लेसमेंट हुआ है। तो आज जो एक चर्चा आम हो जाती है कि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क से इंजीनियरिंग के छात्रों का अच्छा प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, उनके लिए आज ये छात्र बताएंगे कि कैसे इनका प्लेसमेंट हुआ है। और जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इनका मैसेज भी होगा वो किस तरीके से तैयारी करें ताकि अगला प्लेसमेंट जो अमेजोन में हो वो उनका ही हो। तो स्वागत है आप दोनों का। पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, फिर हम विस्तार से जानेंगे आपकी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम संदीप ढाका है, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं और जीएल बजाज में फाइनल ईयर का फिलहाल स्टूडेंट हूं मैं। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक है, आई एम स्टूडेंट इन जीएल बजाज, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच। अब आप जो है हमारे दर्शकों के बारे में थोड़ा इस प्रोसेस को विस्तार से बताइए कि अमेजोन में प्लेसमेंट का क्या प्रक्रिया रहा पूरा। अमेजोन में प्लेसमेंट के लिए पहले उन्होंने हर सभी कॉलेज में, मीन्स हमारे कॉलेज में और जो काफी ग्रेटर नोएडा के कॉलेज है या दिल्ली एनसीआर के जितने भी ज्यादातर कॉलेज हैं, उनमें उन्होंने एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया था। उसमें कोडिंग के दो क्वेश्चन थे और एमसीक्यूज थे, तो वहाँ से जो बच्चे क्वालिफाई उनकी कट ऑफ थी, जो भी उन्होंने रखा कि इतने बच्चों में इस कॉलेज से लेने हैं। उसके बाद वहाँ से उन्होंने हमारे कॉलेज से 11 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए और काफ़ी कॉलेज से थे, पानीपत के थे, दिल्ली आईपी यूनिवर्सिटी के भी थे, काफ़ी कॉलेज के बच्चे थे। उसके बाद फिर इंटरव्यू उन्होंने कंडक्ट कराया सभी बच्चों का। इंटरव्यू में टोटल 125 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद इंटरव्यू में उन्होंने एक टेक्निकल राउंड हुआ तो 85 स्टूडेंट्स वहाँ पे बाहर हो चुके थे, तो 22-25 स्टूडेंट्स बचे थे सेकंड राउंड के लिए थे टेक्निकल। फिर सेकंड टेक्निकल राउंड हुआ, उसमें उन्होंने टोटल 13 बच्चे सिलेक्ट किए जिसमें से दो हम थे जीएल बजाज के, दो आप सिलेक्ट हुए। अभिषेक, मैंने ऐसा सुना कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली से प्रतिदिन जीएल बजाज आया करते थे और जाते थे। हाँ। लेकिन आम बच्चे कई बार धारणा बना देते हैं कि आने जाने में ही हमारा 3 घंटा समय बर्बाद हो जाता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, तो आप कैसे मैनेज किए और अमेजोन में प्लेस हुए उसके बारे में और साथ में एक संदेश भी दीजिएगा आप हमारे दर्शकों को और जो छात्र देख रहे हैं उनको। तो मेरा आने जाने में टाइम वेस्ट होता था, जनरली बोलते हैं, आप इसको भी कंसीडर कीजिए। हाँ, तो ऐसा होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम मेरे को भी कई बार लगता था, बट वही चीज़ मेरे लिए मोटिवेशन बन के आती थी कि मेरा टाइम इतना वेस्ट हो गया तो मुझे उतना टाइम पढ़ाई में और देना चाहिए। तो ये सिर्फ बच्चे की मोटिवेशन पर डिपेंड करता है कि वो कितना डिटरमाइंड है। अच्छा, बच्चे जो हैं किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें अगर उन्हें बेहतर प्लेसमेंट चाहिए या अच्छा करना चाहें तो? फॉर प्लेसमेंट उन्हें कोडिंग पे ध्यान देना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, और कॉम्पिटेटिव कोडिंग्स करनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी चाहिए जितने से ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा। अभी आप संदीप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी मददगार हो, बच्चों को काफ़ी हेल्प मिले, सपोर्ट मिले, जहाँ से आपने किया है वो सलाह। सर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली में जब हम सेकंड ईयर में थे तो हमको नहीं पता था उस बारे में, तो हमने नेट पे सर्च किया, कुछ हमारे सीनियर्स ने काफ़ी हेल्प की, वो करते थे, हमारे सीनियर्स ने काफ़ी वो माहौल बनाया हुआ था कि कोडिंग कहाँ पे करनी है। तो मैं नाम बता रहा हूँ, नोट कर सकते हैं उस चीज़ को, कोडसैप एक वेबसाइट है, एक कोडसैप वेबसाइट है, एक कोड फोर्सिज है, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, टॉप कोडर, SPOJ, ये टॉप वेबसाइट है। इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपटीशन चलते रहते हैं, कोड फोर्सिज तो ऐसी उसमें हर दूसरे तीसरे दिन कंपटीशन होता है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चे कम्पीट करते हैं। मीन्स आप डिमोटिवेट काफ़ी हो सकते हो कि वर्ल्ड में तो आपकी रैंक कहीं पे भी नहीं आएगी इनिशियली काफ़ी ज़्यादा, बट
कितने की ट्राई करते रहेंगे हम तो? ट्राई करते रहेंगे और उसमें क्वेश्चंस होते हैं लेवल, पहले सबसे इजी लेवल के होंगे फिर हार्ड लेवल के होंगे, तो आप ट्राई करते रहेंगे। बच्चे क्या होता है, हमारा जो मेनली कंपटीशन होता था वो खाने के टाइम पे होता था जब डिनर होता था पीजी में, बट मैं उस चीज़ को नीच डिनर में बाद में कर सकता हूँ, बट मैं कंपटीशन नहीं छोड़ता था, कंपटीशन जरूर करना था। तो बच्चे क्या करते हैं, ठीक है यार अब खाना तो खाना ही पड़ेगा, कंपटीशन बाद में कर लेंगे, बट वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप दोनों से मेरा दो दो सवाल होगा। पहला सवाल ये है कि आप लोगों को कॉलेज के तरफ से, फैकल्टी के तरफ से कितना सहयोग मिला, और आप अगर नाम लेना चाहें तो आप नाम भी लें, किन किन फैकल्टी का और किन दोस्तों का सहयोग मिला है। आप दोनों से एक ही सेम सवाल होगा, आप पहले बताएं। सर कॉलेज का तो काफ़ी सपोर्ट रहा है, मेनली जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे एचओडी सर का काफ़ी सपोर्ट रहा है, डॉक्टर एलन राव हमारे एचओडी, उनसे सपोर्टिव कोई कॉलेज में था नहीं। मीन्स उन्होंने हमें यहाँ तक परमिशन दी थी कि आप क्लास मत कीजिए ज़्यादा, आप क्लास थोड़ा, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप क्लास छोड़ के आप कोडिंग पे, हमारे यहाँ पे आईओएस लैब है तो हम वहाँ पे अलग से बैठते थे, वहाँ पे कोडिंग उन्होंने मेंटर प्रोवाइड कराए हुए थे अलग से कोडिंग के लिए ही, कुछ डाउट आते थे हम उनसे पूछ सकते थे। और हमारे सीनियर्स है, प्रफुल भैया है, सागर त्यागी भैया, काफ़ी मैम, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमको, उनको पढ़ाते थे, उनका प्लेसमेंट हो चुका था तो हमें पढ़ाते थे अपने आप खुद, प्रफुल भैया ने हमें काफ़ी मतलब पढ़ाया, जो हार्ड हार्ड डेटा स्ट्रक्चर थे उन्होंने काफ़ी ईजी तरीके से हमको बताया और पढ़ाया। आपको, आप बताएं। हमारे भी, हाँ मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स अपने हेड सर का ही करना चाहूँगा, डॉक्टर एलन राव, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि तुम 24 घंटे कोडिंग करो, चाहे कॉलेज चाहे 24 घंटे खोलना पड़े, मैं 24 घंटे कॉलेज खोलूँगा तुम्हारे लिए। और हमारे सीनियर थे प्रफुल भैया, उन्होंने हमारा सारा बेस स्ट्रॉन्ग किया, सारे डेटा सक्सेस कराए, तो मैं उनको भी बहुत थैंकफुल करना चाहूँगा। तो आज प्रफुल भैया जो हैं, जो इन छात्रों को सपोर्ट किए हैं और जो इनके एचओडी, वो भी सुन रहे होंगे तो काफ़ी गौरवान्वित हो रहे होंगे। अंत में आप लोगों से एक सवाल जो है आखिरी में आप दोनों से होगा, जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए, और आपके कॉलेज के छात्र भी आप लोगों से काफ़ी सवाल पूछ रहे होंगे, तो उनके लिए संदेश चंद शब्दों में। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने फैकल्टी के साथ, अपने सीनियर्स के साथ जितना ज़्यादा कनेक्ट कर सको उतना ज़्यादा कनेक्ट करो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। आपका कोई संदेश? मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कोडिंग पे ध्यान दें, बट एक क्या होता है कि बच्चे अगर थोड़ा अच्छे होने लगते हैं तो उनमें एक एटीट्यूड आने लगता है कि टीचर्स में हमारे अंदर वो बिल्कुल नहीं था, एक टीचर से बना के रखते हैं और तभी टीचर सपोर्ट करते हैं, टीचर से पूरी बना के रखो अपनी और अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर ध्यान दो, डिमोटिवेट नहीं होना, बस मोटिवेटेड रहना है और कोडिंग करते रहो, एट द एंड रिजल्ट पक्का मिलेगा। डिमोटिवेट ना हो, कोडिंग करते रहें, टीचर के साथ जो गुरु शिष्य परंपरा की जो सम्मान की भावना होती है वो बनाए रखें, आपको भी सफलता जरूर मिलेगा। संदीप और अभिषेक की कामयाबी के पीछे उनके फैकल्टी और कॉलेज का भी पूरा योगदान रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कॉलेज के लिए बहुत हर्ष की और खुशी की बात है कि हमारे दो बच्चे अमेज़ॉन में 30 लाख के पैकेज पे उनका सिलेक्शन हुआ है। और इसमें जहाँ तक कॉलेज का प्रश्न है, कॉलेज अपनी तरफ से कोशिश करता रहता है और हमेशा कॉलेज का ये उद्देश्य रहा है कि हम बच्चों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे और अच्छे पैकेज पे नौकरी दिला पाएँ। पर इसके लिए आज की डेट में जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो रही है, और जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो नॉर्मल एजुकेशन के अलावा एक्स्ट्रा बच्चा क्या करता है, किस तरह से अपने को एंगेज करता है और क्या क्लास के बाहर करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हमने ये कोशिश करी कि हमने बच्चों का वो समझा और इस टर्म में हमने कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा तैयारी उन बच्चों को कराई और ये देखा कि बच्चे उसमें कैसे परफॉर्म करते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने, बच्चों ने भी अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत करी क्लास क्लास के बाहर, कॉलेज के बाहर उन्होंने अपनी बहुत मेहनत की और जिससे उनको ये सफलता प्राप्त हुई। और कॉलेज का हमेशा उद्देश्य रहा है कि बच्चों के लिए जो भी हम कुछ कर पाएँ, जितना भी अच्छा कर पाएँ, वो हमेशा हम करते रहेंगे और ये उसी का नतीजा है कि आज हम देख रहे हैं कि बच्चे हमारे बहुत अच्छे पैकेज पे जा रहे हैं, इतने अच्छे पैकेज पे जा रहे हैं कि दूसरे बच्चों के लिए मोटिवेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण बनते हैं। आप इसी तरीके से जुड़े रहें ग्रैंड न्यूज़ के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।